सलाम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है हमारे पास। आज हम डिस्कस करने हैं इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स को। 7.5 है कि वो कहता है कि हमारे पास अ स्टूडेंट प्रेसिस हर पाम बाय हर थम विद द फोर्स ऑफ 750 न्यूटन। कितनी है? 75 न्यूटन है हमारे पास। क्या होगा हमारे पास कि वट वुड बी द प्रेशर, प्रेशर क्या होगा हर अंडर हर थम हैविंग कंटेक्ट एरिया 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कितना हमारे पास कंटेक्ट एरिया है? 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हमने क्या फाइंड करना है? प्रेशर को फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास है 7.5 न्यूमेरिकल हमारे पास है। तो फोर्स कितनी दी हुई है इन्होंने? 75 न्यूटन फोर्स दी हुई है। 5 है हमारे पास फोर्स। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है इन्होंने? इन्होंने इनका एरिया दिया हुआ है जो हम अप्लाई, जिसके ऊपर एरिया प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.5 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एरिया को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 है। सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या आ गया हमारे पास? फोर्स आ गई है एंड एरिया आ गया है। हमने फाइंड क्या करना है? प्रेशर को फाइंड करना है। तो प्रेशर को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ओवर ए आ जाएगा। एफ ओवर ए है। तो अब ये क्या हो जाएगा? एफ ओवर ए है तो हमारे पास फोर्स दी हुई है 75 न्यूटन एंड एरिया कितना दिया हुआ है? 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 है। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे इसके साथ यूनिट लिख देंगे। तो ये हम इस तरह इसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास फोर्स एंड एरिया गिवन हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास 7.6 है। अ हेड ऑफ पिन इज अ स्क्वेयर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, यानी कि हेड ऑफ पिन है, इसका स्क्वायर ऑफ साइड कितना है? 10 मिलीमीटर है। फाइंड द प्रेशर, हमने क्या फाइंड करना है? प्रेशर को फाइंड करना है। इट इज ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 20 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हमने क्या फाइंड करना है? प्रेशर को फाइंड करना है। सिमिलरली वही फार्मूला लगेगा जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में लगाया। हमारे पास सबसे पहले एरिया कितना दिया हुआ है इन्होंने, एरिया को हम करेंगे फाइंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये एक साइड है, यानी कि हमारे पास कितनी दी हुई है? हेड ऑफ द पिन इज द स्क्वायर ऑफ साइड, एक स्क्वायर ऑफ साइड की कितनी दी हुई है इन्होंने? लेंथ यानी कि दी हुई है 10 मिलीमीटर दी हुई है। तो 10 मिलीमीटर है तो मिली मतलब क्या होता है? 10 टू रेस पर माइनस 3 मीटर दी हुई है। तो हम एरिया फाइंड करेंगे, लेंथ आ जाएगी हमारे पास, डबल कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वेयर इसकी क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह हम एरिया आ जाएगा, सॉरी। तो अब क्या करना है? हमने फोर्स है हमारे पास गिवन, फोर्स कितनी दी हुई है? मैकल नंबर दिखे थे 7.6 है। फोर्स कितनी दी हुई है? 20 न्यूटन इन्होंने फोर्स दी हुई है, 20 न्यूटन फोर्स दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको फाइंड करेंगे। फोर्स को फाइंड करने का फार्मूला वही है जो हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं। तो क्या इस्तेमाल किया था हमने? पी इज इक्वल टू, यानी कि प्रेशर है, एफ ओवर ए आ गया। पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए आ गया हमारे पास। पी फोर्स कितनी हो रही है? 20 न्यूटन हो रही है, साथ के 100 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर माइनस 6 आ गई है हमारे पास। मीटर स्क्वेयर था हमारे पास एरिया। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? सिंपली सा इसका 7.6 है तो हमें आ जाएगा आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर क्या हो जाएगा? जो प्रेशर हो है एक पिन अप्लाई कर रही है किसी भी एरिया के ऊपर, तो ये है हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स के साथ। तो ये हमारे पास प्रेशर आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वेयर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। न्यूमेरिकल नंबर अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ब्लॉक 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर एंड एफ ऑफ मास
1000 ग्राम, यानी कि कितना मास है 1000, यानी कि 1000 ग्राम कितने होते हैं 1 केजी के इक्वल होते हैं। तो स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस है लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, जो लॉन्गेस्ट एज है हमारे पास क्या है वर्टिकल है। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑन द ब्लॉक, हमने फाइंड क्या करना है प्रेशर को फाइंड करना है, इसके अलावा और फाइंड क्या करना है डेंसिटी को फाइंड करना है। हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है और हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें। सेवन है हमारे पास, कहता है कि हमारे पास अब ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, उन्होंने वुड ब्लॉक है हमारे पास जिसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर हम कह देंगे कि ये क्या आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया है। और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसका मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है, 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 केजी के इक्वल होता है, तो हम कह देंगे मास हमारे पास 1 केजी है दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है इसका, सबसे पहले प्रेशर को फाइंड करना है पी को, और क्या फाइंड करना है इसकी डेंसिटी को फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है रो यानी कि डेंसिटी को फाइंड करना है। अब देखें कि हमारे पास मास एंड वॉल्यूम दिया हुआ है लेकिन फोर्स नहीं दी हुई, हमें पता है कि प्रेशर को फाइंड करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है, पी इज इक्वल टू क्या होता है एफ ओवर ए, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास। तो एफ को फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि फोर्स को फाइंड करने के लिए एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है एम जी के इक्वल होता है। तो मास कितना दिया हुआ है 1 के जी दिया हुआ है, और जी की वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा फोर्स कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन क्या हो जाएगी फोर्स जो हो रही है हमारे पास मालूम होगी हमें। और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया भी हमें फाइंड करने के दो साइड्स हैं हमारे पास, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है इसकी, तो हम क्या ले लेंगे दो साइड्स ले लेंगे जो इक्वल साइड्स होंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया को फाइंड करने के लिए 7.5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। अब हमने फोर्स भी फाइंड कर ली है, फोर्स भी फाइंड कर लिया एंड एरिया भी फाइंड कर लिया है, अब इस वैल्यू को इसमें हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो सेंटी कितना होता है हमारे पास, सेंटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 10 की पावर माइनस 2 होता है, तो स्केयर है हमारे पास, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 25 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगी क्योंकि स्केयर था, ये मीटर स्केयर आ जाएगा। इसी तरह ये जो होगा हमारे पास क्या है क्यूबिक मीटर है हमारे पास 1125 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास ये 10 की पावर माइनस 2 होती है, तो ये क्यूब है तो माइनस 6 आ जाएगी, तो साथ क्या आ जाएगा क्यूबिक आ जाएगा, क्यूबिक मीटर इसका आ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं इसका, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, आगे हम देखते हैं कि इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू फोर्स कितनी दी हुई है हमारे पास 10 न्यूटन हमने फाइंड की है ये वाली, एंड एरिया कितना फाइंड किया है ये हमने फाइंड किया हुआ है 56.25 मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 भी है साथ, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगी। तो इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्रेशर आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है तो वो कितना आ गया है 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या आ गया है इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह हम कैलकुलेट करने के बाद अपना प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या दिया हो मास एंड एरिया दिया हो, तो अगर फोर्स ना हो तो हम पहले फोर्स को फाइंड करेंगे फिर क्या करेंगे एरिया को एंड देन प्रेशर को फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर है, सेकेंड पार्ट है ये हमारे पास क्या आ गया इसकी डेंसिटी को हमने क्या करना है फाइंड करना है। ये था हमारे पास 7.7 का फर्स्ट पार्ट और ये क्या था हमारे पास 7.7 का सेकंड पार्ट है, हमने क्या करना है इसमें इसकी डेंसिटी को फाइंड करना है। तो डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि रो इज इक्वल टू क्या होता है एम ओवर वी है, तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमने मास क्या दिया हुआ है 1 केजी दिया हुआ है मास, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ये हमारे पास 1125 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 6 क्यूबिक मीटर हमारे पास का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा तो
ये हमारे पास मैस आ जाएगा 1 kg है, डिवाइड बाई 1125 मल्टीप्लाई बाय 10^-6 क्यूबिक मीटर क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। तो इसको फाइंड कर लेंगे हमारे पास, तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आज का लास्ट न्यूमेरिकल 7.8। तो कहता है कि अ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, यानी कि ग्लास क्यूब ऑफ ग्लास है जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो क्या है हमारे पास, 7.8 है, एक साइड कितनी आ गई है, 7. ग्लास की साइड कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, हम कह देते हैं लेंथ या विड्थ आ गई है 5 सेंटीमीटर आ गई है साइड। एंड मैस कितना आ गया है, 306 ग्राम आ गया है। मैस कितना दिया हुआ है इन्होंने, 306 ग्राम मैस दिया हुआ है। आगे क्या है कि हैज अ कैविटी इनसाइड इट, इनके दरमियान में एक कैविटी है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लास, अगर ग्लास की डेंसिटी कितनी होगी हमारे पास, ग्लास की डेंसिटी दी हुई है 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी को फाइंड करना है। इससे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कैविटी को फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक साइड दी हुई है तो बाकी साइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूबिक मीटर होता है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमारे पास आज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कह देते हैं हम, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमारे पास मालूम है हमारे पास क्या आ गया, मैथ दिया हुआ, अब हमने फाइंड क्या करना है, ये इसका वॉल्यूम क्यूब फाइंड करना है, कि ताकि हम कैविटी का वॉल्यूम क्या कर सके, फाइंड कर सके। तो अब ये क्या है, हमारे पास मैथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है हमारे पास, तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, तो मैथ कितना दिया हुआ है, 306 हमारे पास मैथ दिया हुआ है। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है साथ, ये दी हुई है, तो हम कह देंगे कि रो इज इक्वल टू एम ओवर वी हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये क्या होगा, वी आ जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ मैथ आ गया हमारे पास, तो वी इधर चला जाएगा और रो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वी एम आ गया, वॉल्यूम ऑफ मैथ आ गया हमारे पास, तो एम ओवर रो आ जाएगा। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है इन्होंने, तो डेंसिटी हमारे पास वी एम आ गई हमारे पास, तो मैस कितना दिया हुआ था इन्होंने, 306 ग्राम दिया हुआ था मैस, और डेंसिटी कितनी दी हुई थी, 2.55 सेंटीमीटर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास इसने मैस दिया हुआ था। तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा कैलकुलेट करने के बाद, इसको वॉल्यूम ऑफ मैस आ जाएगा हमारे पास, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मैस आ जाएगा। हमने इसमें क्या दिया हुआ है, इसने डेंसिटी हमने क्या करने के, इसमें से हमने कैविटी को फाइंड करना है, इनसाइड कैविटी जो होती है इसके दरमियान में वो फाइंड करनी है। तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैविटी वी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, वी सी माइनस वी एम, यानी कि मैस का वॉल्यूम और माइनस क्यूब का वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, सी ए वी आ जाएगा, कैविटी आ जाएगी हमारे पास, वी सी ए वी क्या आ जाएगा, ये वी सी क्या थी हमारे पास, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर थी, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर थी, और माइनस कितनी हमने फाइंड की थी मैस का, टोटल की वॉल्यूम फाइंड किया था 120 क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड किया था। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा, तो क्या आएगा, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, इसमें कैविटी मौजूद है। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी कैविटी को फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।